वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो ये मूंग दाल को 2 घंटे तक भिगो कर रखा था और इसके बाद इसको छान करके रख लिया है धोकर के। बेसन और ये धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और ये मिर्ची थोड़ी बाजार की है और थोड़ी घर की कुटी हुई, और ये हल्दी पाउडर, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, सफेद नमक और ये सेंधा नमक, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, मैदा, अजवाइन और ये तेल। चलिए चलते हैं हम आगे की प्रोसेस में। ये एक बर्तन ले लेंगे हम। पहले मैदा को लगा करके इसका डो तैयार करेंगे। इसमें डाल देंगे मैदा, अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, नमक, इनको सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। डाल देंगे तेल, आप चाहे तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मोमन डालना बहुत जरूरी है कचौड़ियों में, तभी खस्ता कचौड़ी बनती है। इसे दोनों हाथ से इस तरीके से कर करके इसकी पूरी गुठलियां फोड़ ली है। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो पूरा ढीला हो जाएगा। ये मैदे का डो लग करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसे ढक करके रख देंगे साइड में। एक मिक्सी का जार लेंगे और ये जो हमने मूंग दाल को फुला करके रखा था वो डाल देंगे। फुलाकर धो करके और छान करके अच्छे से रख लिया। ये देखिए मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी। और इसे हम मिक्सी में थोड़ा थोड़ा चला करके पीसेंगे और बहुत ज्यादा नहीं पीसना है, बस 1 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद कर देना है और फिर 1 सेकंड के लिए चला करके और फिर बंद कर देना, इतना ही पीसेंगे, ज्यादा नहीं। ये इतना पीस लिया है, इसको ज्यादा नहीं पीसना है। ये देखिए, चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और ये डाल देंगे इसमें तेल। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, डाल देंगे जीरा और यहीं पे बेसन और ये धनिया। धनिया को भून करके और हमने इसको पीस लिया है, क्रश कर लिया है। मिर्ची, ये गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इनको सबको चला लेंगे अच्छे से। गैस को बिल्कुल मंदी रखना है। अमचूर पाउडर, काली मिर्च, सौंफ और नमक स्वाद के अनुसार। मूंग की दाल डाल देंगे जिसको हमने पीस करके रखा है। अच्छे से भून लेंगे। यहीं पे थोड़ा सा अदरक पीस करके डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सौंफ को हमने भून लिया था और इसको थोड़ा सा कूट लिया था दरदरा और फिर उसको इसमें डाली हूँ। और जो काली मिर्च थी उसको भी दरदरा कूट लिया था और फिर कूट करके इसमें डाल लिया था। और 2 तरह की मिर्ची डाली हूँ, एक घर की कुटी हुई मिर्ची थी और एक बाजार की थी। ये देखिए हमारी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, खोल करके चेक करेंगे। देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। आधा का पोर्शन तोड़ लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। ये लोइयां हम इसकी बना करके तैयार कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। बिल्कुल किनारे से करना है, बीच से नहीं करना है। अगर बीच से पतला कर देंगे तो फिर वो क्या है, जब अपन फिलिंग भरेंगे ना तो फट जाएगा। इसे बिल्कुल किनारे से इसको बड़ा करना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमें कटोरी की तरह रख लेना है ऐसे, और फिलिंग को भर देंगे इसके, अच्छे से दबा देंगे इस तरीके से। इनको सबको पकड़कर इस तरह इसका मुंह बंद कर देंगे इस तरीके से। ये अब इस तरीके से हम इसको दबा देंगे ऐसे। ये देखिए एक हमारी कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी सारी कचौड़ियां बन करके तैयार हो गई हैं। हम इन्हें 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। अब हमने गैस पे तेल चढ़ा दिया है और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे।
ये आटे का छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे। ये देखिए इतना तेल हमारा गरम है और हमको इतना ही तेल गरम चाहिए और गैस को मंदी कर देंगे। अब हम इसमें एक एक करके अपनी कचौड़ियाँ डालेंगे, जितनी कचौड़ी इसमें बन सके। चार कचौड़ियाँ बनी हुई इसमें, ये देखिए कचौड़ी हमारी ऊपर आ गई है। इसको पलट देंगे सावधानी से इस तरीके से। ये देखिए कचौड़ी हमारी पक चुकी है, अब हम इसे निकाल देंगे। ये कचौड़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है, हमने इसे सर्व कर दिया है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।